आज एकदम एक्साइटेड के दिन थे। गर्मी की वजह से सो नहीं पा रहा हूँ। कैसा बना के रखा है देखो, मेरा रूम एकदम ओके। हम होंगे कामयाब। सो यहीं पर कहते हैं टूटा हुआ है। कितना दूर? अब जब मैं सुती आई होप तपाईँहरू एकदम सन्चै हुनुहुन्छ होला, एकदम सुरक्षित हुनुहुन्छ होला, एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ होला आफ्नो आफ्नो जग्गामा, आफ्नो आफ्नो सेड्युलमा, आफ्नो आफ्नो बिजी लाइफमा। सो म पनि त्यस्तैमै छु अहिले, बिजी। सो आज चाहिँ एकदम एक्साइटेडको दिन हो, एकदमै बढी वाली दिन सबैजनाको लागि चाहिँ आजको दिन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। आज बिहान चिया खाँदै म छतमा आइरहेको छु हो। अन्त हिजोको ब्लगमा तपाईँले देखिसक्नुभयो के हो कसो हो आजको दिनमा हो। सो आजको दिनमा चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु, ब्ल्याक टी खाँदैछु, आज दुधको चिया खानु जाँदैछु म चाहिँ। कुरा चाहिँ सिधै हो, ब्ल्याक टी चिया खाँदा खाँदा अमन भयो, अब दुधको चिया खानु आउँछु कि। आज चाहिँ साथीहरू कहाँ जाँदैछु भन्दा चाहिँ म चाहिँ घरतर्फ जाँदैछु साथी, एकदम सो एक्साइटेड। म चाहिँ आज चाहिँ बिहानै उठेर पनि सबै आज त मलाई निन्द्रा नआएको ल हौ। अस्ति त झन् सपना देख्दै थिएँ घर पुगेको, आज त निन्द्रा नआएर म त गरम अब पनि बस्नु यहाँ बस्नु पऱ्यो भने म चाहिँ सक्दिनँ रहेछु यहाँ बस्नु चाहिँ, याद भयो। यति साह्रो गरम, म त बकेटमा नि पानी लगेर गएको होइन, राति त खुट्टा भिजाउँदै सुत्दै हो पालै पिलो, घरि दैलो खोल्छु घरि के हो घरि कस्तो गरम भएको नि भगवान्। अन्त एकमा त एक्साइटेडले पनि होला घर जानुको लागि। सो ला म त आज त हिन्दीबाट ब्लग गर्नु पनि सोचेको थिएँ, नरिसाउनुहोस् ल एकदम, म अब एकदम रेस्पेक्ट गर्छु आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा, बिर्सेसको आज अहिले पनि याद आयो। अनि अब अलिकति म नेपालीबाटै भनिदिइहाल्छु। अन्त तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद मेरो के पो बितेको भिडियोसहरूलाई धेरै माया दिनु भएकोमा। अनि हिजोको ब्लग चाहिँ अब केही नराम्रो नसम्झिनु दिनुहोस् होला, किनकि हिजो चाहिँ लास्ट डे भएर चाहिँ अलिकति इन्टरटेन गर्नु पाएको स्कुलमा, अरू दिन त त्यस्तो हुँदैन नि साथीहरू हो, अरू दिन त अब एकदम डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो नि त हो, डिसिप्लिनमा स्टुडेन्ट टिचर हो एकदम। अन्त त्यही भएर चाहिँ जम्मैजना खेतीमै जाँदैछ त बिहान बिहानै, के गर्नु गएको औ पारेको खेतबारीमा। सो अन्त त्यही भएर चाहिँ हिजो हल्का इन्टरटेन भएको, अरू बेला त्यस्तो हुँदैन ल, त्यति नै हो भन्न चाहन्छु। अनि धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अनि आजको भिडियोलाई तपाईँले एकदम स्किप नगरी हेरिदिनुहुन्छ भने एकदमै आशा राखेको छु। आजको रुम आज चाहिँ हामी रुमबाट चाहिँ अहिले म खाना बनाएको छु, खाइकन चाहिँ 6:30 बजे हिँड्नेवाला छ। अन्त यहाँ परबाट 7:30 चाहिँ बस पक्रिन्छु होला म चाहिँ, अन्त 3 जना चाहिँ ट्रेन जान्छ, म चाहिँ बसमा जान्छु। सो मसँग यात्रा गर्नुहोस् होला, मेरो त अब साथी कोही पनि भएन, नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ हुन्छ हो। अन्त मसँग यात्रा गर्नुहोस् होला, व्यक्ति पनि अदुवा लगाएसम्म त साह्रो मनपर्छ मलाई ल। अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु हिन्दीबाट ब्लगिङ, नरिसाइदिनुहोस् होला जति पनि कोही हुन्छ, नेपालीमै नगरेर के खाएको बेहोरा भनेर चाहिँ नभनिदिनुहोस् होला, एकदम मिठेबाट माफी माग्न चाहन्छु। सो गाइस आजको दिन एकदम स्पेसल है मेरो लिए, सो क्योंकि आज सबका स्पेसली होगा, जब आप दूसरी जगह पे बैठ कर घर जाने का टाइम होती है तो वो तो स्पेशली रहेंगे सबके लिए। सो आज मैं घर जा रही हूँ दोस्तों, सो आज मेरे साथ बने रहना और आप लोगों को मैं दिखाते चलूँगा कैसा कहाँ से गुजरूँगा, कैसी नजरा से गुजरूँगा और सो क्या क्या होगा आज दिन में मेरा, क्या क्या परिस्थिति, क्या क्या सिचुएशन आएगा मेरे आगे। तो मैं क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे बहुत तकलीफ तो होगा, क्योंकि फर्स्ट तो है सेकंड भी है, तो मगर मुझे अलर्ट भी ले रहना होगा। हाँ क्या
सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओके, अब मेरे साथ बने रहे ना। तो अभी मैं कपड़े उठाने के लिए आया था और मेरा चावल पक रही नीचे, तो मैं अच्छी तरह से पेट भर के निकल दूंगा यहाँ से। सुबह सुबह का नजारा इतना ठंडी ठंडी है भगवान, गर्मी की वजह से सो नहीं पा रहा हूँ भगवान, ये कैसा अनर्थ किया है मैंने। सो अंत फेरि मालिक यति नेपालीबाट हुन्छ ल साथीहरू। अन्त मैले एकदम आज न्यू लुक्स भएर जान्छु किनकि म हिजो नै एकछिन मार्केट गएको थिएँ, अन्त एकदम सनग्लासेसहरू किनेको छु हो, अन्त चाहिँ एकदम न्यू लुक्स भएर जानेवाला छु। तो कल हम सन्डेको मैले ब्लग नै बनाया था, तो सन्डेको यसै घरपे एरिया रुम पे यसै साफ सुग्घर इधर उधर। तो शामको हम बजार गए थे थोड़ा सपिङ गर्ने के लिए, और यसै बित गए कल का दिन। तो चलो आज का दिन बिताते हैं यात्रा करके। ब्लैक टी के साथ दिन स्टार्ट किया, घर पे जाके दूध का चाय पियेंगे। हमने हमारा रूम इतना वन मंथ के लिए इतना साफ करके रखा, एकदम सब सामान एकदम साइड पे कर दिया। मेरा राइस भी पक रही है, राइस भी अच्छी तरह से पक रही है। सो मेरे यहाँ का सब सामान हटा दिया मैंने, क्योंकि क्या पता मैं उधर रहते टाइम पे यहाँ पे बारिश भी हो सकती है, क्या पता है वहाँ से बारिश आ सकती है, वहाँ से भी बारिश आ सकती है। सब सामान बिगड़ने सोच रही थी, इसीलिए सब यहाँ बेड पे लगा दिया सब सामान हो। और ये गैस तो नीचे ही रहने के लिए दूंगा। ओह इतना गर्मी मेरा रूम से पत्थर कलर कोई भी नहीं मेरे लाइफ पे। ओके अब मैं खाना खाने बाद ऑलरेडी रेडी होके आप लोगों के साथ मिलूंगा। तो गाइस मैं फिर से छत पे आई हूँ, तो क्योंकि नीचे बहुत गर्मी हो रही थी तो यहाँ आके देखा तो वीडियो नहीं बनाऊंगा सोच रही थी, मगर यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा दिखा तो आपको मैं वीडियो मुझे मजबूर हो गए बनाने में, तो दिखाती हूँ आपको ठीक है। प्लीज़ वो बारी का इंसान जो उन लोगों को इग्नोर करना, जो वहाँ पर देखिए इतना अच्छा सा हिल एरिया दिख रहा है, इतना क्लियर पहले से कभी नहीं दिखती थी। देखो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपना एरिया इतना ऐसा फील हो रहा है। यहाँ बैठ के एक ही फायदा तो है, एक फायदा तो पक्का है, जो अपना गांव एकदम कमी कमी सा तो फील नहीं होता, क्योंकि यहाँ से हिल एरिया भी दिखता है, गाँव भी है और अच्छा इन्वायरमेंट भी है। सिर्फ एक कमी है, थोड़ी गर्मी होती है और इसमें सब। तो यहाँ से एकदम सूरज भी निकल आया है, सूरज बाबू भी निकल आ रही है, एकदम से एक बार दिखा दूँ सब अच्छे से करके। ये है हमारा सुबह सुबह का नज़ारा इधर का, देखो सूरज भी इतना लाल 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 हो गए आ रही है। यहाँ का प्लेस ही ऐसा है, देखती रहो मन नहीं मन कभी नहीं भरता है यहाँ का जगह को देखते रहो। ओके अब पक्का मैं रेडी होके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो ओके लास्ट अब मैं रील्स एक दो रील्स बनाऊंगा। फाइनली हम एकदम रेडी होके निकल चुके हैं। तो मेरा आज का नया चीज़ को कुछ भी नहीं होगा, आज मैं लिपस्टिक भी लगाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि लिपस्टिक में दो दो दिन बस पे ट्रैवल करना होगा, इसलिए कहाँ पे जाऊँ इतना लिपस्टिक का वो इतना गंदा होता है बाद में जाके, फसल में अच्छा होता है क्योंकि पानी भी नहीं मिलता सही वक्त पे, तो इसलिए मैं नहीं लगाऊँगा। अन्त त्यो कचेरा हुन्छ नि त कि लिपस्टिकको लास्टमा गएर यो वाटरप्रुफको चाहिँ, अन्त त्यही कारण चाहिँ नलगाउने। आज नयाँ चिज के हुन्छ, दिस इज माई न्यू लुक आजको।
यो चाहिँ टेम्पोररीको लागि किन्नै पऱ्यो नि त मेरो कि नत्र भने चाहिँ गरम लागेर चाहिँ आमामामामा अलिक पानी पानी नहुनेलाई त साह्रो पर्दो रहेछ मैले कति साह्रो तर मलाई सनग्लास चाहिँ एकदम डार्क कालो मनपर्छ म चाहिँ यही सनग्लास एकदम सिर्फ डार्क कालो डार्क ब्ल्याक पसन्द थिए मगर अब वो मार्केटमै थाहै नै कहाँ से लेकर आऊँ मैं डार्क सनग्लास होइन तो यही पर यही खरीद लिया थोड़ी काम चलाने के लिए क्योंकि इतना बाहर धूप है भगवान अभी से इतना धूप है भगवान हे हरी राम देखो मेरा बेटा तो मैं यही सिंपल तहसीलदार हूँ अपने घर तो आज का मेरा सामान यही है सिर्फ इतना देखने में भारी दिख रहा है मगर ये भारी नहीं है हल्का ही है बस तो आज का मेरा रूम मैंने कैसा बना के रखा है देखो मेरा रूम एकदम ये चावल भी मैं यहीं पर रखूँगा इधर ही रखूँगा बाबा हाँ तो फाइनल लुक सब निकल गया गैस भी ऐसे करके रख दिया तो और कपड़े वगैरह सब ढक लिया वहाँ पे हाँ ठीक है लास्ट में ये फेंक के आती हूँ और थोड़ी मैं जो है वो फेंक के आती हूँ ल मेरो चाहिँ रुम लक पनि गरेँ माया पनि लाग्दो रहेछ प्यारो रुम छिटो आउँछ एक महिना बादमा ल मेरो यो सामान अन्जु बस ल बिस्तारी आउनु सेफ जर्नी मन पो देख्यौँ हामी छ भने सम्झिँदै बस ए ल ल ल अब एकैजना कसको यो क्युटवाला गएको छ सो अहिले चाहिँ हामी 6:30 हुन आँटिसक्यो हो अन्त 6:30 बजी मेरो त अम्बु घाम त टन टन हुन्छ ल म त हिँड्नु पऱ्यो भने नेपाली नै बुढीपठाएँ सो सुबहका 6:30 बज्ने वाली है इतने में भी इतना धूप निकल आती है बाप रे बाप इतना गर्मी चलो मेरा ये देखिए इतना भारी दिख रहा है ना भारी तो नहीं है इतना होता है चलो निकाल दो आपको भी नाना जी निकाल दीजिए नाना और तीन दो बहनों ट्रेन में जाएंगे और हम अकेले बस से जाएंगे नेक्स्ट टाइम से एकदम साथ साथ जाएंगे तो यहाँ नीचे में दो तीन जन है और हम लोग जा रहे हैं टूर बाय बाय हॉस्टल अरे हमारा तो कुछ कुछ देखिए समय कभी किसान कितना सेफ होता है कितना सेफ नन्ना जी का ट्रॉली इतना अच्छा है ब्लू 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 वाह वाह हाजी हाजी ये नहीं नहीं अच्छा ही है अच्छा है अब हम वहाँ रोड पे जाके देख के वहाँ रोड पे जाके ऑटो पकड़ के और जाएंगे अरे ईश्वर जी का इतना बड़ा बड़ा है क्या लेकर जा रहे हो पूरे रूम के सामान लेकर जा रहे हो क्या ईश्वर जी तो सिर्फ पटना तक जाएंगे है ना दोनों नाना जी सिलगढ़ी तक दोनों बहन मेरी गांव तक मैं भी अपने गांव तक ओके हम होंगे कामिया घर जाके कामिया हम होंगे कामिया चलो हम यहाँ गेट से बाहर आके बाय बाय आएंगे एक महीने के बाद आएंगे तो हम यहाँ से ऑटो का इंतजार करेंगे हाथ पत्ता देख देना सर कि अब जैसे कि जान दे इतना गर्मी हम तो यहाँ पे खाली ऑटो वेट करते करते इतना बोर हो चुकी है बाबल एक ऑटो आ गया मगर क्यों चला गया इतना परेशान हो चुकी है परेशान परेशान बल्ल एउटा गाड़ी आयो हो अब इसमें जाने हामी यही बस है दोस्तों हम जाने वाले यही बस से पटना जाने वाले हैं और यहाँ पे अब
यहाँदेखि तिन जना बहिनी चलता जान्छ, म चाहिँ हामी दुईजना स्टार्ट र म चाहिँ पटनातर्फ जान्छु। यस्तो हामीले बस पकड़ ली है, मगर ये बस सिर्फ आधे रास्ते तक जाएगा, वहाँ से हम एसी बस में जाएंगे। 8:30 को हिंदे निकलेंगे यहाँ से, हम इतना जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम से टाइम से आएंगे। आठ बजी मत हिड़ने अरे, छिटो आइपुग्छ आज त, एक घन्टा छ तर बितिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यताउता के हेर्छु, खाने चिजहरू छ भने खान्छु, गरम लाग्यो भने चाहिँ मन हट्यो। तिनजनाले गाडी पाए कि पाएन, मेरो सामान चाहिँ माथि राख्छु। ल अब बाटोको नयाँ जग्गा देखाउँदै जान्छु। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको घाममा, अब यहाँबाट चाहिँ माथि आधी बाटोसम्म चाहिँ हामी यही बसमा जाने, त्यहाँदेखि चाहिँ एसीवालामा, किनकि त्यहाँ मात्रै पुल भाँचेको छ अरे कि। अन्त चाहिँ हामी यही बस चाहिँ आधा रास्ते तक जाइँगे, वहाँ चाहिँ एसी बसमा जाइँगे। बाई बाई भगुवा। अहिले चाहिँ हामी मोनिया भन्ने ठाउँमा आएर बसिराखेको छौँ हो, बस स्ट्यान्डमा। अन्त मेरो साथी चाहिँ चप्पल किनेर गएको छ, यहाँ पनि 10-15 मिनट जस्तो बस्दो रहेछ नि त। अन्त अब ऊ माथि हिँडेर चाहिँ अर्को बसमा जानुको छ। सो फाइनली साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँ टुटेको फुल चाहिँ यहीँ भन्दो रहेछ है। अन्त यहाँनिर मेरो ब्याग झानु लगाइरहेको छु, अन्त यहीँ भैयासँग नै जान्छु तपरसम्म। सो यहीँ पर के थे टुटा पो वापो, इसलिए यहाँ से हम दूसरी बस पे चढ़ के जाएंगे पटना। वहाँ पर है बस, वहाँ पर है, और अब यहाँ पर क्या बस में चढ़े जान पड़ने जाऊँ। दामी जगह से चलिए, गाड़ी में चलिए आप लोग बैठिए। और सामान यहाँको साथै चल्न पर्दैन, त्यो त एकदम विशेष हुँदो क्या। के मजाको जग्गा नि बहिनीहरू त, यही ट्रेनको रुट भएर जान्छ होला है। मैडम त यतिको चाहिँ हुनु पर्यो अब, सुविस्ता होइन सुविस्ता हो अब। ल अब गरममा ठुवा गरम, अब साथी एकदम भिडियो पनि त्यस्तो गर्छु गर्दिनँ थाहा छैन, आज एकदम अनिदो छु। सो एकदम मजाले सुतेर जाने हो एकदम। आइया हो, यहाँ कहिले पुग्ने भएको थियो, कप पचिङ्गे कप पचिङ्गे बर्बर पचिङ्गे, एकदम टाइट चाहिँ पकाउनु ब्याग्स क्या क्या है अपने पास। माय गॉड कितना अच्छा नजारा है, ओ भाई, ओ माय गॉड, ग्लास को एकदम लगाना बनता है। अरे कितना दूर है, कितना दूर, अरे अरे बहन जी इतना दूर किसने बोला था इतना भारी लेने के लिए। के भाउ छ फ्याँक्यो होला हौ म त।
कितना अच्छा नजारा नहीं माना ना कुदा मेरे से चिटके का छत इतनी थी मामा आराम से डाल दी मेरा भी ये दिक्कत नहीं डाल दी हां अंदर तो भैया के सीट है ना पटना से पहले वाली रही पूरा ट्रॉली खराब हो गया हां हां ये जो सीट है सीट का खराब तरीके से डाल दी ये तो मेरा नीचे ही रख दीजिएगा हां नीचे रख दो भाई ये तो मुझे मेरे टाइम में समझ गया था उसी को सब पे मेरे तो फर्स्ट नंबर में छ हो कहीं पर राखी कौ ए अब तो सुरुरुरुरु जानु पर्छ एकदम फाइनली साथीहरु खै एसी त भन्छ त अन्त एक पटी भने मात्र निकलिन्छ बल्ल बल्ल आइपुगे आमा आमा चिसो पनि ज्यादै चिसो अब चाहिँ ढुक्क भयो नि त पटनासम्म नै पुग्छ भन्दा त मेरो साथी चाहिँ यहाँ उतापट्टि बसेछ इसरत अब चाहिँ मजाले सुतेर जान्छु यहाँ चार्ज लगाउने जग्गा मैले चार्ज लगाइकन चाहिँ फोन चार्ज लगाउँछु त्यहाँबाट सुत्छु अम्बो गरममा त ठिक छ राति मात्रै पो मलाई साह्रो परेको रहेछ त दिउँसो त ठिकै छ इतना गर्मी हाई राम हाई राम चप्पल भी नहीं मैंने वहाँ रख दिए स्लीपर को ओके मिलते हैं एसीको हावा नि अब नेचुरली नै हुँदैन कि कस्तो खालको यही टाउको ठन्डा ये अब रात पढ़िंजल ये साथी अब रात पढ़िंजल ये बसम मजा शांति पाऊँ
यतादेखि उता पनि सिङ्गल सिट नै गरेको छु हो, सिङ्गल स्लिपर मजाले सुतेर जानुहोस्। मजाले यसरी मिलाएर जान्छु हो। अस्ति आउँदाखेरिको तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थिएँ नि पपकर्नको बोटहरू क्या हो, यता आउँदाखेरिको बोट देखेँ, जाँदाखेरि चाहिँ अब मकैको बोट दिएँ, आउँदाखेरि चाहिँ मकैको बोट दिएको थिएँ, जाँदा चाहिँ खाँदै जान्छ। जानु थियो नि त त्यो बोटहरू छिप्पिन आँटेको थियो नि त पपकर्नकै, म चिन्छु नि त पपकर्नको बोट कस्तो हुन्छ भनेर। टेन्सन चाहिँ के लाग्दैछ भने चाहिँ 3 बजीदेखिको 8 बजीसम्म के गरी बिताउ भइरहेछ मलाई। निन्द्रा पुऱ्याइदिएँ मैले हो, अन्त अझै मौका पाएको त सुत्थे पो सहले चाहिँ हामीले पटना छुयो हो। बल्ला बल्ला चार्ज पनि हुन थाल्यो, फोन पनि निकै चार्ज भयो, एकदम दुःख खुसी लाग्यो। अन्त म चाहिँ एकदम पटना पुगेँ है साथीहरू, बार बार मेरो फोन पनि चार्ज हो गयो, त्यो मेरो न निन्द पनि मेरो बुढा किरा जो आज रातका पुरा बजा था नि सो सब पुरा हो गयो। त्यो आराम चाहिँ अब सिलगढीको बस्ने आराम चाहिँ सकियो साथी हो। त्यो अब मै आएपछि हो दार्जिलिङ पटना बस अब बस स्ट्यान्ड तक जान है।
देखो दोस्तों मैं आई हूँ पटना। बस अब बहुत दूर नहीं है, पहुंच ही गया है बस स्टैंड। बिग दिस अब 20-25 मिनटको बाटो छ, म म्याप हेर्दै आउँदैछु कि। सायद बहिनीहरू यही रेलवे स्टेसन गएर सिलगढी जान्छ जस्तो लाग्यो आज ट्रेनमा कि। भोलि पछि हामी ट्रेनमा आयो भने पनि तिर बल्ल बल्ल आइपुग्यो बस स्ट्यान्ड। यो चाहिँ यो पुलको चाहिँ साइन थाहा पाइहाल्यो नि त यहाँनिर हो, अन्त म्यापमा हेरेको ठिकै आइपुगेछ हो। बल्ल बल्ल आइपुग्यो भन्नु बस स्ट्यान्ड। टिक्की भन्दैछ हो नि त, रोक्ने ठाउँमा चुपचापले लानु नि हो आम। नम्बर गेटमा गएर रोक्छ होला, दुइटा गेट रहेछ नि त यता। अस्ति म आउँदाखेरिको बसेको जग्गाहरू देखाइदिन्छु ल म। गेट नम्बर 2 लाँदै रहेछ साथीहरू। ए होइन रहेछ साथी, अस्ति म बसेको ठाउँमा जग्गा चाहिँ यही नै हो है, यहाँनिर बसेको म। आइपुगेँ आइपुगेँ। ओहो यस, अब चाहिँ राख्छु ल, उत्रेर भेट्छु ल म। आइपुग्यो आइपुग्यो, एकदम सुरक्षितसँगले आइपुग्यो, एकदम मच्छी तरिसे पच गई। थ्याङ्क्स अ लट। मेरा बस पकड़ना होगा, यहाँ से ढूंढना होगा कहाँ पर है मेरा सिलगुड़ी वाला बस। ये ड्राइवर बोल रही थी मेरा बस के नजदीक ले जाऊंगा। वाह, कस्तो रिंगट छुट्यो अम्मा, अब मेरा बस कहाँ छ हौ। तर हुनु त 8:30 हो, हुनु त 8:30, अब कहाँ यति बेला बस पनि आइपुग्दैन होला। रिङ्गटै छुट्यो,
ए राम्रो लगाइछ त भोकले भन्नु कि उसले भन्नु कि जिउहरु क्यामेरा लक 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 कस्तो थाकेन बस्छ सिटमा म चाहिँ अस्तिदेखिको केही न केही चाहिँ दान दिएकै हुन्छु बसतिर चाहिँ अब चाहिँ म सतर्क भएको छु एकदम यो पालि मैले सनग्लास छोडिराखेछु उही पर्छ बस ल्याउनु जाँदैछु अब त कहाँ त्यसै छोड्छु एकपल्ट गल्ती गरेँ त्यो गल्ती कहाँ घरिघरि दोहोऱ्याउनु ल लिइकन आउँछु यतिको चाहिँ हुनु पर्यो बल्लावालाको छोड्नु मिलेन नि क्यारे यति भए पनि पैसा कति दान दिइसक्यो अस्ति एकजना सामानहरू छोडिराखेर छोडिराखेर अब त छोडिदिनु मरे कति कस्तो दामी बस स्ट्यान्ड गुगलमा त यत्रो देख्छ वाह अब 8 बजीसम्म के चाहिँ गरिबस्नु भनेको नि यो स्ट्यान्डको नाम चाहिँ यहाँमाथि चाहिँ पाटलिपुत्र बस टर्मिनल त फाइनली मेरो बस चाहिँ मैले पाएँ यो रहेछ ल मेरो बस चाहिँ यही रहेछ साथीहरू अब सिलगढीसम्मको यात्रा साथीहरू अहिले त्यसपछि 5 बज्नु आँट्यो ल यही चाहिँ खाजा खाने कि बहुत भोक लाग्यो होइन र सामान त अभि नै राखेको बोललाई ए 6 बजी के आगे बोलाएको ए सामान अहिले राखेको छैन रहेछ 7:30 बजी आउनुपर्छ त्यही त एकछिन खोलेकै छैन केटै आएको छैन रे राख्ने मान्छे नै क्या गरे यो सामान राखिदिएन नै हरायो क्या नहीं नहीं त्यहाँ भित्र हराउँछस् नि त्यस्तो डरलाग्दो त छैन हो अन्त 6:30 बजीदेखि मात्रै सामानहरू राख्नु खान्छ नि त अन्त चाहिँ अब हामीले छोडे पेट पूजा गर्ने कि लिए जाँ कि बहुत भोक लाग्यो भोकीमारी एकदम शरीर काँप रही है गरम उसके ऊपर इतना गर्मी है मजा आया सीट में बैठने के लिए मजा आया एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा ऐसे मेरा हो रहा था और फिर गर्मी मुझे तो बहुत मुंह धोने का मन कर रहा है एकदम से औ एक बार हामी चाहिँ बाहिर जानु भेटे नपाएर चारै चारैपट्टिबाट बस्ने गीत अहिले बर्खर यतै बर्खर आएको ठिकै बस्छ नि कता कस्तो हो ल अब हामी चाहिँ खाजा खानु जाँदै गरेको यतैबाट छिर्नुपर्छ अरे नि त हो कता यहीँ रहेछ नि त गेट चाहिँ अरिजिनल हो गयो भैया चाहिँ हो गयो हो गयो वाक्कै लाउँछ नि त वाक्कै वाक्कै ल औ मुनि कटिङ चाहिँ उचाल्ने छु साथीहरू म चाहिँ उयो जग्गामा चाहिँ अस्ति चाहिँ सानो बसाइ भएको हो गयो हाम्रो हो गयो मेरो सब सामान पनि राखिदियो सब हामी खाजा खाने के लिए आयो र हामी चाहिँ यहाँनिर के पो अस्ति चाहिँ आउँदाखेरि बस्दा बस्दा भएको कि अन्त त्यस्तै याद आयो नि बितेको पलहरूको जग्गाहरू हेर्दाखेरि साथीहरू हामी चाहिँ खाजा खान आइरहेको छौँ यता नै गरम पुरा भयो अन्त बिरयानी मगाएर सामिसिरहनु चिकन त छैन त चिकन बिरयानी भनेको यस्तो त मलाई त हो अलिकति बस्दैन त हौ खाजा खान्छु साथीहरू म चाहिँ हाल्दै नै बजाइदिएको चम्ची त यत्रो देऊ अहिले खाइसक्नु एकदम मिठो लाग्यो अहिले त भोकले पनि होला पुरा स्वाद आयो एकदम अच्छा
मिठो हुँदो रहेछ। झन् म्याडमले पनि चम्चीले खाँदै थियो लास्टमा त चम्ची त ल कोही बात छैन साथीहरू म त पुरा थाकेको छु अन्त खाना खाएर त कस्तो झन् थाक्यो त्यो मसँग आउने साथी चाहिँ पटनासम्म मात्रै आउँछ नि त अन्त उसको चाहिँ चाची ल्याउन आएको भन्थ्यो मैले देखिनँ जानु चाहिँ गयो अन्त ऊ चाहिँ गयो यहाँबाट अन्त म चाहिँ अब बस पर्तिर भर्खर 5 बज्दैछ कहिले 7 बज्नेर चाहिँ मजाले सुतेर जाउँ भइसक्यो अब एकछिन बस्छु हो त्यहाँबाट चाहिँ तलै गएर बस्छु अगाडि गएर बस्छु चाहिँ आइरहेको छु अब चाहिँ म यहीँ आएर बसिराखेको छु साथीहरू मेरो बस्ती यहाँनिर हो यो देख्नुहुँदैछ तपाईँले हो साफ सुग्घर हुँदैछ अहिले डरलाग्दो सो म चाहिँ बसिरहेको छु बसलाई पर्खिँदै मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ राज बस एउटा माछा खाइदिए त कस्तो भयो छ थमै किनेर खाइछु छ खाइ त पठाएर के गर्नु रात पऱ्यो वा यहाँ चाहिँ जे होस् हावा त शीतल आउँदो रहेछ मलाई एकदमै मन पर्यो हो चिसो हावा भिड एकदम म त सुत्नु मन परिसक्यो फाइनली अब 40 मिनट छ बस पनि रेडी भयो एकदम अलिक पेट हल्केर सो फाइनली साथीहरू एकदम बल्ला बसिने समय भयो अहिले चाहिँ त्यस्तो 7:30 भयो टक्कै मेरो सामानहरू पनि त्यही लिएर राखेको छु चप्पल प्याकर राखेको छु झन् यहाँनिर लाइट चाहिँ एकछिनमा बल्छ यो एसीको चाहिँ मलाई यो चाहिँ साह्रो मनपर्छ अन्त यहाँ चाहिँ चास लगाउने जग्गा त्यस्तो रहेछ हो अन्त तपाईँको मायाले एकदम मेरो प्यारेन्ट्सहरूको जति पनि छ दिदीहरू आमा जति आशीर्वाद दिएको गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यात्रा सम्पूर्ण होस् भन्ने एकदमै हो एकदम सम्पन्न हुँदैछ अहिलेसम्म त हो कस्तो नरम रहेछ नि हो सिटहरू पनि कस्तो शान्ति लाग्यो कस्तो डरलाग्दो निन्द्रा लागिरहेको थियो अब चाहिँ मजाले सुकेर जान्छ साथीहरू अब लादीको त के नजारा देखाउनु है बाई बाई पटना बाई बाई पटना कहाँपट्टि घुम्दैछ हामी चाहिँ ए अँ त्यहाँबाट थियो अघि बस हो त्यहाँबाट बसेको थियो बस बाई बाई पटना साथीहरू नि अघि मैले बिरयानी खाएको छु यहाँनिर मिठो भएको थियो यो ढाबामा कस्तो मिठो भएको थियो आज पनि बनाउँदै रहेछ डल्ले भाँडामा चुल्लु डल्लो डल्लो भाँडामा यस्तो मिठो बिरयानी बनाउँदो रहेछ आमामा नेक्स्ट टाइम आएर यहीँ खानुपर्छ यहीँ आएर खानुपर्छ अब चाहिँ जाँदैछु वाउ बाई बाई पटना कति मान्छे भिड हुँदो रहेछ बेलुका त अन्त साथीहरू गाडी भाडा चाहिँ कति लाग्यो भन्ने कुरोहरू तपाईँलाई जान्नु मनपर्दैछ होला हो अब तपाईँले यही नसोच्नु कि यो कस्तो एसीमै गएको भनेर एसी चाहिँ अब यहाँनिर सिलगढी टु पटना जस्तो पनि भने एसी मात्रै हुँदो रहेछ बस चाहिँ हो अन्त यो पालि चाहिँ मेरो लाग्यो 700 यो चाहिँ यो गेट 2 भन्दो रहेछ यही गेट 1 चाहिँ यहाँ भन्दो रहेछ साथीहरू बादमा आएर चाहिँ म यहीँबाट चाहिँ भगवान्को बस पक्रिनु पर्छ भोलिपर्सि चाहिँ हो ए यदि बसमा आएछु भने चाहिँ अन्त मैले देख्नु भएको छैन होला है अन्त के पो अन्त यो पालि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ मेरो 795 रुपिस लागेको थियो अन्त यो घट्दै बढ्दै गर्दो रहेछ अब चाहिँ मलाई याद भयो अब हिजो मेरो गरेको मैले बुकिङ
आज तो आमामा 760 रुपियाँ भइरहेको छ कस्तो, म त मरि सुटेको कि मन पनि दुख्यो कोही बात छैन, अब याद त पाएँ नि त हो त्यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर हो। अब आउँदा चाहिँ म ट्रेनकैमै आउँ भन्ने सोच्दैछु, अब दुई तिन दिनमा म ट्रेन बुक गरिहाल्छु किनकि जति छिटो गरेँ त्यति सस्तो हुन्छ नि त। सो अन्त आज 797 रुपिसलाई रमाउँदै अब सिलगढीतर्फ जाँदैछु, कस्तो दामी हेर्नु नि। ल अब साथीहरू तपाईँलाई बाटोको हल्का एकदर नजरले देखाउँदै गर्छु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई म आजको मेरो भिडियो चाहिँ मैले एन्ड गर्छु साथीहरू, तर देखाउनु पनि के देखाउनु है राति। अन्त ल तपाईँलाई आजको मेरो भिडियो चाहिँ मैले एन्ड गर्नु पऱ्यो, अब होप्सो हजुरहरूले इन्जोय गरिदिनु भयो होला बाटोकै मात्रै भयो आज दिनभरि, अन्त र पनि तपाईँले माया दिनुभयो माया दिनुहुन्छ यति धेरै यस्तै भिडियोजहरूलाई पनि हो, त्यसको लागि एकदम म त कुरुक हुन्छु एकदम तपाईँको माया पाएर। सो यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुहोस् होला मलाई आउँदो दिनहरूमा पनि, तपाईँको माया बाँड्दै गर्नुहोस् होला भन्न चाहन्छु। अनि आजको भिडियो यति भन्दै मेरो भिडियो चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु, अन्त किनकि तपाईँको प्यारो बहिनीलाई रेस्टको पनि धेरै 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 खाँचो छ। सो अब मजाले सुतेर जान्छु, अन्त अब भोलिको ब्लगमा भेटौँ बिहानै हो सिलगढीको बिहानैको नजारा तपाईँहरूलाई देखाउँछु, एकदमै त्यो बाघटुक्रादेखिको मजाको जग्गा तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। सो भोलि नै घर पनि पुगिन्छ हो, अन्त ल साथीहरू बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। कस्तो देख्दैछ मलाई पनि थाहा छैन हौ, आया खत के लाइटले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइट पनि बल्दैन रहेछ नि त। ल साथीहरू गुड नाइट, बाई बाई।